हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ पास्ता। पास्ता को मैंने पानी में डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा उबालेंगे, जब तक ये नरम नहीं हो जाते। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे कि ये आपस में चिपके नहीं। अगर हम 5 मिनट के लिए उबाल देंगे, ये हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। इसको थोड़ा सा गला लेंगे हम, तो फिर इसको छान लेंगे। जितनी देर हमारा पास्ता उबल रहा है, हम थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डालेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और उसमें थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे एक और एक हरी मिर्च। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च, इसी काली मिर्च। इसमें हम अब पास्ता डाल देंगे, ये हमने वो छान कर रख लिया था। इसको अच्छे से हिलाएंगे। आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल आपके पास हो वो आप इसमें काट कर डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। बच्चों को ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा, अब हम इसमें थोड़ा सा सॉस डालेंगे। अब हम इसमें ये चीज़ स्लाइस है, इसको तोड़कर डाल देंगे। दो स्लाइस लिए थे मैंने, उन दोनों को तोड़कर हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, जो चीज़ स्लाइस मैंने डाले थे वो मेल्ट हो रहे हैं। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारे पास्ता में अच्छे से मिल चुकी है। इसे सर्व करेंगे। देखिए, चीज़ पास्ता हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। जैसा ये दिखने में है वैसा ही ये, वाओ, खाने में भी टेस्टी है। आप भी खाएं, अपने परिवार को भी बनाकर खिलाएं और इन्जॉय करें। धन्यवाद।